जो नया इस समय कानून है, लेकिन हम लोगों को, परिवार वालों को अभी कम पता है। हमारा बच्चा जो पढ़ रहा है, हम कोशिश कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि जो बिजनेसमैन है वही बिजनेस कर सकता है, हम भी कर सकते हैं, हमारा परिवार भी कर सकता है। हम खाली नौकरी के लिए ना सोच करके हम अपने बच्चे को, अपने परिवार को बिजनेस की कैटेगरी में लाने का प्रयास कर सकते हैं। और देश के जितने सरकारी संस्थाएं हैं उसमें 4% जो एक उनको बकायदा तौर पे सरकारी कानून समझिए कि 4% जो काम दिया जाएगा वो एससी और एसटी बिजनेस के बंदों को दिया जाएगा। ये हमारे लोगों को कम पता है, इसका प्रचार करने की जरूरत है। मैं चाहता था अभी पूरे सेशन में बैठते, क्योंकि 4-5 हमारे बहुत प्रोमिनेंट स्पीकर्स हैं, पर जो हुक्म होता भारत सरकार का मानना पड़ता है, इसलिए मैडम जाना चाहते हैं। श्रीमती कृष्णा राव जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आकर के अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी कोऑपरेशन, हमारे विशेष जो फोरम को देके जाना चाहते हैं वो देके जाएं। श्रीमती कृष्णा राव जी, उनकी 125वीं वर्षगांठ भी हमने बहुत धूमधाम से मनाई, और उनका सपना और उनका चिंतन, उनका दर्शन जो भी था, उसको लगातार हम सभी लोग अपनाते चल रहे हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे विचार है जो निरंतर चिंतन का विषय रहेंगे, और इस राष्ट्र को कैसे मजबूती प्रदान की जाए, इसमें वो उपेक्षित वर्ग कितना बड़ा सहयोगी रहेगा, यही दर्शन हमको इनका विचार अध्ययन में मिलता है। आज इस कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमारे मंच को शोभा बढ़ा रहे हैं, आदरणीय बीवी सोनी जी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा अपना मार्गदर्शन दिया, आदरणीय श्री अर्जुन कुमार जी हैं, जो हमारे बगल में बैठ करके बड़ा सिक्किम के बारे में विषय को बता रहे थे कि कैसे समस्याएं हैं, कैसी बातें हैं। और जो हमारे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर रहे हैं और चेयरपर्सन भी हैं हमारे, डॉक्टर चरणजीत सिंह जी अटवाल जी, और बहुत ही गौरव के साथ जिनका नाम हम लोग लेते हैं बैठे हैं, जस्टिस बालकृष्णा जी, के जी बालकृष्णा जी, ये लोग ऐसे हैं। और इसके अलावा भी अभी बहुत सारे बैगरिये भी दिखा रहे थे प्रेजेंटेशन, कैसे कैसे लोग बढ़ रहे हैं, कैसे समाज आगे बढ़े, इसी का नित्य चिंतन है। मातृशक्ति बैठी है, देश की आधी आबादी है। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूं कि एससी एसटी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ये अवधारणा है, और जितना मैं समझ पाई हूं, मैंने जब पूरे देश में देखा तो हर प्रांत की अपनी अपनी जातियां हैं, तो ये हम कह नहीं सकते कि संपूर्ण भारत में कौन एससी है और कौन बीसी है, कौन जनरल में है, कौन एसटी में है। ये जैसी जैसी जलवायु रही है, जैसी जैसी समाज की जो स्थिति बनी, जिस वर्ग की, वह उसी प्रकार से उसको बांट दिया गया, जितना मैं समझ पाई। इसलिए हम सभी लोग आर्थिक स्थिति में कमजोर होते हुए और अपनी जाति की स्थिति में भी हम कमजोर होते हुए जो वर्षों से यातना सहते आए हैं,
यही दर्द को सभी ने बांटने की कोशिश की, लेकिन भारत बदला और मैं इस बदलाव के साथ 125 वर्ष पहले जिन्होंने संविधान की रचना करके राष्ट्र को एक दिशा दिया था, और जो कहते हैं कि ना उनको प्रारंभ में ही किताबों में पढ़ना चाहिए, बच्चों की एक मना ही स्थिति बन जानी चाहिए, पाठ्यक्रम में आना ही चाहिए, तो शायद ये ऐसी भाव नहीं होते, ऐसी स्थिति नहीं होती और सिर्फ एक दलित के मसीहा के रूप में ही ना जाना जाता उनको, बल्कि जैसा कि कहा कि समाज की सर्वांगीण विकास के लिए उनका चिंतन रहा है, आर्थिक और विकास के लिए, इसलिए आज ये अवसर है। लेकिन कहते हैं ना कि जो सोच होती है वो पटल पे आ ही जाती है, आज वो वक्त आ गया है कि समूचे राष्ट्र नहीं पूरे देश विदेश में भी लोगों ने बैठे हुए जाना, डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर जो बेहद पूजनीय हैं, राष्ट्र के एक ही नहीं पूरे देशवासियों के लिए पूजनीय हैं, ये बात समझ में आने लगी है। इसलिए आने वाला समय सामूहिकता का है, सबके विकास का है, और मैं भारत सरकार में मंत्री होने के नाते ये कह सकती हूँ कि जब से वर्ष 2014 में भारत सरकार आई है, देश के प्रधानमंत्री की जितनी भी स्कीमें हैं, आप चाहे वो जनधन खाता किसका नहीं खुला था, किसी गरीब का ही नहीं खुला था, ये योजना भी उस दलित गरीब एससी एसटी का जो कहा जाता है कि इनको नहीं मिलता रहा है, इनको उनकी पहचान नहीं रही है, उनका ही उनके लिए ही खोलने का प्रावधान हुआ। ये मुद्रा योजना एक कि कैसे उनको प्रारंभ किया जाए, वो देश की 90% 70% आबादी के बारे में चिंतन हुआ। जिस स्कीम को भी आप उठा के देखेंगे तो आप किसानों से, महिलाओं से और दलितों से जुड़े हुए ही वो सारी योजनाएं जिनको उठाया जा सके, जिनका विकास किया जा सके। तो आज खुशी है इस बात की कि देश का नेतृत्व अच्छी तरह से जान रहा है, और ये आज की आवश्यकता भी है कि अगर ये इतनी बड़ी आबादी दब के रह जाएगी तो कभी भी राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता, राष्ट्र कभी आगे बढ़ नहीं सकता। इस कारण भी हमें कहेंगे कि मैं कृषि मंत्रालय में होने के नाते मैं बताना चाहती हूँ, एनिमल हस्बेंड्री हमारी जो स्पेशली मैं देख रही हूँ, और कृषि का सबसे बड़ा और स्थायी धन जो है वो हमारा पशुधन है, और वो कौन करता है, वो हमारी गरीब महिलाएं करती हैं। बकरी पालने का काम कौन करता है, जो गांव का गरीब है, दलित है, एससी है, एसटी है। इसी तरह डेयरी का भी है, मुर्गी पालन का है, मत्स्य पालन का है, इस सब में सारी स्कीमों को मैं बढ़ा, इसको पूरी तरह से गरीबों तक कैसे पहुंचे, इस ओर हमारे कदम बढ़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी मेरे लद्दाख के एक भाई बोल रहे थे कि पश्मीना भी लद्दाख ले में ना होकर के एक बहुत ही वो नुब्रा वैली की, और वो जो हमारा एक बहुत ही किनारे बहुत ही दुर्लभ स्थानों पे पाए जाते हैं और प्राय विलुप्त होती एक प्रजाति बनती जा रही है। हमारी कोशिश है, मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने स्टेट में जो हमारे बंधुवर आए थे, ये अपना स्कीम बनाएं, और मैं ये चाहती हूँ इस प्रजाति को संरक्षण मिले, उसको प्रोटेक्शन देते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये इसके लिए हमारे यहाँ से सब्सिडी 33% दे करके हम बढ़ावा देना चाहते हैं, इस स्कीम को जन जन तक पहुँचाएं, और हो सके तो ये हमसे मिलेंगे तो मैं बताऊंगी अपने जितने भी प्रस्ताव लाएंगे, मेरी इच्छा है कि ये प्रजाति विलुप्त तो होने ना पाए। तो आप जहाँ भी कौन है, मुझे दिमाग में भी के सामने ठीक से नहीं रहे, लद्दाख ले लद्दाख आप आइए और आप मुझे बताइएगा, और इसका मैं संरक्षण करना चाहूंगी। और नुब्रा वैली में आपका डबल हम जो आपका ऊंट है, ये भी दुर्लभ प्रजाति है, इसका भी संरक्षण करिए, इसके लिए भी हम सब्सिडी देंगे, आप जो सुविधाएं लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। मेरे बहुत गांव के गरीब लोग हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोग बढ़ करके उनको करिए, एग्रीकल्चर ही हमारा जो है आधार है, और 70% किसान, और जो खाद्यान्न का उत्पादन कर रहे हैं
वो हमेशा दैवीय आपदा का शिकार होती है। इसे हम स्थायी रूप से नहीं कह सकते कि ओले कब पड़ेंगे, सूखा कब पड़ेगा, बाढ़ कब आएगा, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि देश में कृषि का 30% जो भाग है वो है एनिमल हस्बेंड्री का, पशुधन, वो स्थायी धन भी हम कह सकते हैं। इस तरफ जो भी किसान है वो अपने साथ में इस एनिमल को, जैसा मैंने कहा कि वहाँ पे ये इसकी आवश्यकता है, जहाँ पे भेड़ शिव की आवश्यकता है उसको भी हम बढ़ावा दे रहे हैं, जहाँ पे अच्छी प्रजाति की, जैसे दार्जिलिंग में, सिक्किम के पास में दार्जिलिंग में माननीय मंत्री जी आपके यहाँ सीर गाय भी विलुप्त हो चुकी प्रजाति है, यकीन नहीं करेंगे, उसका दूध इतना महंगा है, ये टू इतना, इसका पोषक तत्व इतना ज्यादा है। मैंने वहां पे एक डॉक्टर विष्णु जी हैं, मैंने कहा कि मैं फरवरी में जाके उनको फुल जो है पूरे हिली एरिया के अलावा नहीं वो कर सकते, और 5,000 रुपया किलो उसका घी है। ऐसी प्रजाति को भी गाँव के हमारे किसान SC ST ये अगर पालन करते हैं तो उनको हम सब्सिडी देते हैं। और मेरा अपना भी अगला मिशन है कि हर स्टेट में जा करके इसके मेले के द्वारा आयोजित करना, और उन गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, जो जनजाति हैं, उनको इसका लाभ देना, ये हमारा भी लक्ष्य है। समुद्री तट में भी ऐसे जो हमारे फिशरमैन हैं उनको भी, कौन है वो गरीब है जो करते हैं, उनको भी बहुत सारी सब्सिडी दे करके हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसा हमारा अपना लक्ष्य है। तो आप ये देखेंगे कि कैसे किसान आगे बढ़ेगा। दूसरा, जितना भी उत्पादन है उसको वन विंडो में ला करके उद्यमिता से जोड़ के हर ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक लेवल पर वो जो भी व्यवसाय करना चाहता है उसके लिए भी हम सब लोग सब्सिडी देने के लिए बैठे हैं मंत्रालय से ही। जैसे अभी एक सबसे बड़ी समस्या आप सबके, आम लोगों के दिमाग में आता होगा कि एक गाय, एक बहुत, जब से गौवध का वध रुका है, गौवंश का, तब से ये दूध के साथ साथ गाय के गोबर और गाय के मूत्र का, इसको कैसे, इसके पोषण को, न्यूट्रिशन को कैसे उपयोग में लाया जा सके, इसलिए गरीबों को हम सहयोग कर रहे हैं। गाय के गोबर में जितने तत्व हैं, फायर प्रूफ भी है, एंटी बैक्टीरिया भी है, सब जानते हैं, वैज्ञानिक रिसर्च भी हो चुका है। तो गांव का एक गौपालक अगर गाय इसके गोबर की कहीं पे प्लाई बनाता है या टाइल्स बनाता है तो मेरे ख्याल से छोटा कुटीर उद्योग भी होगा और धीरे धीरे वो बढ़ने का काम करेंगे। इसलिए बहुत छोटे स्तर पे, गांव स्तर पे खेत की उपयोगी चीजों का कैसे उद्यमिता के साथ जोड़ा जाए और उन्नत भारत के साथ हम सब लोग अपने 70% कृषि को और कृषि से संबंधित जितने भी हमारे उपयोगिता में आने वाले साधन है उसको एक ही विंडो में हम जो है लोगों को मुहैया करा रहे हैं। इसलिए हम मान सकते हैं कि मंत्रालय और हमारी सरकार, चाहे मुद्रा योजना हो, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, ये सभी योजनाएं जो है, लेकिन हमें अब जैसे करके प्रत्येक बैंक की शाखा को, एक दलित को, एक जनजाति व्यक्ति को लोन देना ही होगा, चाहे वो 1,00,000 से 1,00,000 तक, जिसमें कोई भी गारंटी नहीं लगनी है और 6 महीने तक कोई ब्याज नहीं पड़ना है, कोई प्रॉपर्टी प्लस नहीं होनी है, तो इस चीज का लाभ ले। और हर, मेरे ख्याल से किसी ने, हर, चाहे बड़ौदा बैंक हो, स्टेट बैंक हो, कैनरा बैंक हो, ग्रामीण बैंक की शाखाएं हो, हर किसी को इसका लाभ हमें लेने की जरूरत है, महिलाओं को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो मैं आपकी जागरूकता और बाबा साहब के बनाए हुए जो रास्ते हैं उस पे हम चलते हुए निश्चित तौर पे समाज की महत्वपूर्ण भूमिका, समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे और अपने बहुत ही दबे हुए पिछड़े जो हमारे साथी हैं उनको उठाने में हम सहयोग देंगे। मेरी गुजारिश है कि जो जहां पे है, चाहे जिस स्तर पे है, अगर वो अपने ओहदे, अपने पद के साथ अपने छूट गए पिछड़े साथियों को आगे हाथ बढ़ा करके ले चलने का काम करेंगे तो शायद वो दिन दूर नहीं है कि आप सब लोगों की जो समाज में
जो पहचान अब तक बहुत कम लोगों में है, पूरे अपने क्षेत्र अपने समाज में बढ़ती जाएगी, वो दिन हमारे लिए और हमारे समाज के लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, मैं ये कह सकती हूँ। एक भाव लेते हुए कि हम सभी लोग राष्ट्र के प्रमुख धारा में बहुत बड़ी संख्या के लोग हैं और ये आबादी हर हाल में मजबूती के साथ उभरनी चाहिए, चाहे वो भारत सरकार का स्किल डेवलपमेंट के द्वारा जितना भी मंत्रालय जुड़ा हो उसमें सब लोग मिल करके अपने उन साथियों की मदद करिए जिनको आज आवश्यकता है और उनको आगे बढ़ाइए। मैं आपके साथ खड़ी हूँ, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो इस ऐसे बड़े संगम में बैठ के अपने विचार दे रहे हैं। धन्यवाद।